जय हिंद किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पैडी थ्रेसर यानी कि धान की दवाई करने वाले इस मशीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने इसके बारे में एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको इस मशीन के जरिए दवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान की कटाई हम इस मशीन से करते हैं, किसान क्राफ्ट के रीपर से करते हैं, जिसका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आप जाके इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले यूज़ करते थे कुछ इस प्रकार से, पिटाई करते थे जिसके जरिए हम अपने धान को अलग करते थे, तो ये पहला तरीका था। और जो दूसरा तरीका था धान को अलग करने का, वो था एक सुरकुनी मशीन होती थी जिस पे रख करके या पट्टे की हेल्प से या फिर किसी आदमी की हेल्प से उसको धान को अलग किया जाता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी प्रोसेस में आप एक बात नोटिस करेंगे कि आपको उसको फिर से एक बार ओसाना पड़ता था, जिसमें उसमें जो भी मिट्टी होती थी वो अलग करना पड़ता था, जो भी इसमें खरपतवार होते थे वो आपको निकालना होता था, तब जा करके आपको अपना धान मिलता। लेकिन इन प्रोसेस में काफ़ी अच्छा खासा जो हमारा समय होता था वो बर्बाद हो जाता था। तो इसीलिए अब हम लोग यूज कर रहे हैं पैडी थ्रेसर का यानी कि धान की दवाई करने वाले इस मशीन का। तो आज की इस वीडियो में इस मशीन से संबंधित सब कुछ, सभी जानकारी जो आपने पूछे हैं हमसे, वो सभी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको इस मशीन की सहायता से अपने धान की दवाई करवानी चाहिए या फिर नहीं, और इस मशीन की दवाई में धान जाता है या फिर नहीं। और जो लोग पूछते हैं कि इस मशीन की मतलब कि मशीन कभी कभी धान फेंकने लगता है तो उसमें क्या कुछ सेटिंग करनी होती है, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में फुल डिटेल नॉलेज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और यह फ्री है। सो चलिए दोस्तों, आपको इस मशीन के अंदर का पार्ट्स भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये वो वाले पार्ट्स हैं जो कि मतलब कि धान के जो भी फसल होते हैं उसको काट करके टुकड़े कर करके फेंकते हैं। ये अंदर देख लीजिए, यही सब मशीन इसके अंदर लगे हुए हैं, यही सब पार्ट इसके लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये पार्ट को मतलब बाहर फेंकता है, जो बड़ा वाला पूरा होता है वो निकालता है। और ये देखिए, ये है फर्स्ट वाला फ़ैन, इसको क्या करता है ये मतलब प्यूरीफाई करता है। ये सेकेंड वाला फ़ैन हो गया। और यहाँ पर देखिए, ये नीचे से मतलब कि जो भी धान आपका होता है उसको प्योरीफाई करके उसका जो भी गंदा चीज़ होता है वो बाहर फेंक देता है। मनोज कुमार जायसवाल भाई जी ने पूछा है कि भाई बताइए कि अगर पंखे से मतलब उनके धान फेंक रहा है तो इसको किस प्रकार से सेट करना है। तो यहाँ पर मनोज भाई को हम बताना चाहेंगे, जब भी आप मशीन को लगाएं जहाँ पर भी दाना चाहते हैं, दवाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप नीचे उसका जो एडजस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर ऊँच खाल है तो उसको हमने आटा लगा कर सही किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर देंगे तो मतलब मशीन एक बराबर से खड़ी हो जाएगी। और ये जो दो नट देख रहे हैं इसको भी आप थोड़ा सा ढील कर देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा जो झरना होता है वो नीचे चला जाएगा, उसके बाद में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम ये ठीक नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो इसमें जो कचड़े रुके होते हैं, आप जगह ज़्यादा दवाई करते हैं तो उसमें सब गंदे कचड़े या फिर जो भी मतलब कि कचड़े होते हैं यहाँ पर आजू बाजू रुक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रुके हुए हैं, तो उनको आप हाथ के जरिए या फिर कोई डंडा ले करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको निकाल देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। एक एकड़ में कितना समय लगता है, तो एक एकड़ में कितना समय लगता है उसके लिए आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा खेत जिसको अभी हमने मतलब कि दवाई करने के बाद भर दिया है। तो इस इतना हमारा खेत का यहाँ पर मैंने इसको दवाई करवाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसका मेरा मतलब कि इसको दाने में लगभग समय लगा था 58 मिनट, यानी कि 58 मिनट का इसको दाने में मतलब कि इसकी मतलब दवाई करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मिनट लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हम कुछ टिप्स देंगे काफ़ी अच्छे तरीके से दवाई करने के लिए, किस तरीके से आप अच्छे से दवाई कर सकते हैं। तो अच्छे से दवाई करने के लिए आप आटा बनाकर रखिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हवा चल रहा है, तो आटा बनाकर रखिए छोटा छोटा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आटा बनाकर रखेंगे, उसके बाद में एक जगह एकत्रित करके रखिए, उसके बाद में मशीन आए तो उसके बाद में दवाई करवा दें। मैंने मशीन बुला करके ये दवाई करवाया हुआ था। और बाकी जो जानकारी है जैसे कि इसमें धान जाती है कि नहीं, उसको भी हम यहाँ पर आपको दें। ठीक है, ये देखिए हमारी दवाई यहाँ पर हुई हुई है, तो उसको उसके बारे में मैंने अगली वीडियो में बताया था। ये देखिए यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर, ये देखिए फ़ैन का, जस्ट आगे वाले फ़ैन का है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर हटा के आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, ये एक हमको मिला है। ठीक है,
ये देख लीजिए, देख रहे हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, फिर भी 5-10% जाता ही जाता है। या देख लीजिए, बहुत ही कम मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब कि लगभग, फिर भी हम मान के चल परसेंट तो जाता ही जाता है। ठीक है, 5% यहाँ पे जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता। 5 लोगों का जो पूरा को लेकर कन्फ्यूजन था कि भाई पूरा किस प्रकार से आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सबसे मतलब कि पीछे वाला भाग है यहाँ का पूरा, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा आगे का बीच का दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट में होता है जो वजन का रहता है। ये देख लीजिए, ये पूरा कुछ इस टाइप का आता है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए कुछ इस टाइप का लंबा लंबा थोड़ा सा आता है, और ये बीच वाले पार्ट का पियरा है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इसमें मतलब कि धान ओन बहुत ज़्यादा नहीं आते, जैसे कोई बाल नहीं फेंकता, पूरी तरीके से ये क्लियर करके फेंकता है। और अगर आप मशीन से मरवा करके गाय को खिलाना चाहें तो उसको भी खिला सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये आगे वाला, ये और भी ज़्यादा, ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का पूरा आता है। और अगर आपका जो फसल रहेगा वो अच्छी तरीके से सूख गया रहेगा तो हो सकता है कि आपके पियरा का और भी टुकड़ा वो करके निकाले ये मशीन। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है पियरा से संबंधित। सो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको इस मशीन की मदद से अपने फसल की दवाई करवानी चाहिए या फिर नहीं। तो इससे दवाई करवाने में बहुत आपको दिक्कत नहीं है, आप दवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दूर पूरा को नहीं फेंक पाता, बीच बीच में ये इकट्ठा हो जाता है, आपको हटाना भी पड़ सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ठीक है, और कभी कभी हमारे धान में भी छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, मतलब कि डंठा जिसको बोलते हैं धान का, वो भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप सभी चीज़ें जान गए होंगे, समझ गए होंगे, सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इस मशीन का जो कि प्राइस है वो है 1,50,000 रुपये, और यह 2100 RPM पर वर्क करता है। ठीक है, आप सभी चीज़ें जान गए, समझ गए, फिर भी अगर कुछ चीज़ बाकी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।